अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और मैं आपके सामने लेकर आई हूँ चाट मसाला। तकरीबन 12 से 15 ये टम्पे हैं और मुझे किलो वाइज ये पता नहीं कितनी है, तो मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि ये मैं आधा किलो से ऊपर ही होंगी। तो इसमें मैं एक लहसुन की क्यूब ऐड करूँगी और 2 अदद जो है वो मोटी इलायची ऐड कर दूँगी। इसमें मैंने पानी तकरीबन 1.5 कप डाला है। इसमें मैं थोड़ा सा, ये मेरा मैजिक मसाला है जिसे कहते हैं लौंग का पाउडर, ये मैं 1/4 टीस्पून इसमें ऐड कर दूँगी। पानी मैंने इसमें ऐड करना है और क्योंकि चम्पे जो हैं इसमें कवर्ड हो जाएँ, और इसको हम 30 टू 40 मिनट के लिए इसमें रख देंगे। इसको हम हाफ टर्न करेंगे 30 मिनट का बॉयल देकर। इसमें मैं एक चिकन स्टॉक क्यूब ऐड करूँगी, थोड़ा सा मैं गर्म मसाला 1 टीस्पून के करीब इसमें ऐड करूँगी। इसमें हम नमक नहीं डालेंगे, हल्दी नहीं डालेंगे, कुछ ऐसा नहीं डालेंगे, जस्ट ये इन्ग्रीडियंट्स रहेंगी और इसके साथ हम इसको 30 मिनट के लिए। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ जैसे ही कुक हो जाएगा तो मैं फिर आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलती हूँ। अच्छा जी, मसाला चाँप जैसा आपको पता है कि वो बॉयल होने में हमने रख दी थी चाँपे, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको तैयार करेंगे। आप गिनती की देख सकते हैं कितनी चीज़ें हैं। लाल मिर्च है कुटी हुई 1 टीस्पून, गर्म मसाला 1.5 टीस्पून के करीब है, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, जिंजर पाउडर सौंठ का पाउडर जिसे हम कहते हैं 1/2 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट जैसे आपको पसंद है, और हरी मिर्च है, देसी घी है, आज मैंने मेल्ट नहीं किया हुआ, दही है 2 टेबलस्पून, देसी घी है तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून, प्याज है तकरीबन 1 अदद तली हुई, टमाटो प्यूरी लेंगे एंड दैट्स इट। और इसके बाद आप ये देखें कि ये बिल्कुल जो है इस वक्त ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला है, 30 मिनट होने वाले हैं तो इसको पकते हुए ऑलमोस्ट 30 मिनट जो हैं हो चुके हैं। हम फ्लेम को करेंगे हाई, हमें इसकी यकीन थोड़ी सी रखनी है तो हम इसी के साथ इसको पकाना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी ऐड करेंगे भूनते हुए, बिल्कुल थोड़ा, ताकि ये भी नहीं है कि एकदम जो है ये पतली ग्रेवी बन जाए, इसको थिक हमें रखना है। और पानी इसलिए डालते जाएंगे कि मसाला भी बाइंड होता जाए और गोश्त भी इसके अंदर भूनता जाए, गोश्त जहाँ पे अगर थोड़ी इसमें कमी रह गई है गलने में वो भी इसी दौरान पक जाएगा। अच्छा, इस टाइम पर मैं बताना भूल गई, केवड़ा वाटर हम इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून के पीस लेंगे। हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप के करीब पानी ऐड करेंगे। हम 20 मिनट के लिए, 20 से 25 मिनट के लिए पकने रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। एक इसको बॉईल आ जाए और उसके बाद अपने फ्लेम को लो कर देना बिल्कुल। बिल्कुल लो फ्लेम कर दिए तो इसकी जो फाइनल लुक है वो मैं आपको 25 मिनट के बाद जो है जब भी प्रॉपर कुक हो जाएगा तो मैं आपको इसकी फाइनल लुक जो है दिखा दूँगी, ठीक है। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा, और इसे पकाएं अपने घर में, दावत भी रखें, ऐसे कोई ओकेजन हो आपका स्पेशल तो आप उसमें भी बना सकते हैं। अच्छा, इसमें इसके एंड पर मैं तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब सूखा धनिया ऐड करूँगी।